अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है। माल्टा के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। माल्टा में अब तक जो है आपने सिर्फ देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ लेबर्स की जॉब्स जो है निकलती रहती हैं, या तो हाउसकीपिंग से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, या किचन से रिलेटेड, या फिर दूसरे ही कोई कंस्ट्रक्शन लेबर साइड। मगर इस बार मैं आप लोगों के लिए वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में, परचेजिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सीआरओ ऑफिसर्स, और काफ़ी सारी बहुत सारी जॉब्स जो हैं मैं आपको आप बताने जा रहा हूँ। माल्टा में इस वक्त बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। माल्टा का वीज़ा जो है वो बहुत ईजीली निकल आता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने अगर लीगल तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इस जॉब के ना तो कोई पैसे हैं, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। कंपनी डायरेक्ट आपको हायर करेगी अगर आप उनके मयार को पूरा उतरते हैं। बहुत ही बड़ा ग्रुप है, अताद ब्रोस ग्रुप है कंपनी का नाम। माल्टा में और कुछ दीगर कंट्रीज़ में काम कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। इस अप्लाई कहाँ पे करना है, किस तरह अप्लाई करना है, सीवी जो है वो आप यूरोप के फॉर्मेट पे अपना बनाएंगे, यूरोपास सीवी आप बनाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यूरोपास की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप अपनी सीवी वहाँ से बनाकर फिर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपास सीवी चलती है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टोटल जॉब्स जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, ख़ास करके जो मेरे भाई इस वक्त दुबई में अवेलेबल हैं, उनके लिए बहुत ही इजी है ये, क्योंकि दुबई में इस वक्त अक्टूबर से VFS अपॉइंटमेंट्स ओपन होने जा रही हैं। जिनके पास सिर्फ एमिरेट्स ID है उनका इजीली प्रोसीजर हो जाएगा। तो जाएं अप्लाई करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब रखे। वीडियो को शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्तों के पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।